भारत सरकार के मंत्री आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी, श्रीमान सी आर पाटिल साहब, भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, इंडस्ट्री लीडर्स, सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से इस समिट में भाग लेना एक सम्मान का विषय है। मैं पूर्व के वक्ताओं को ध्यान से सुन रहा था। मैं पहली बार आया हूँ और शायद जम्मू कश्मीर से कोई भी पहली बार आया। जम्मू कश्मीर अब तक दूसरे कारणों से जाना जाता था, नेचुरल ब्यूटी के लिए, अन्य कारणों के लिए। अब भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, देश के गृहमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को वाइब्रेंट गुजरात में भाग लेने लायक बना दिया है। ये मैं समझता हूँ कि देश का विषय है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम, हमारे इंडस्ट्री और बिजनेस के लोगों ने उसे देखा है, जम्मू कश्मीर की बनी है, उसके शिल्पकार आदरणीय गृहमंत्री जी हैं। व्यक्तिगत रुचि लेकर के एक एक विषय को ध्यान में रखते हुए उस स्कीम को इन्होंने बनाया है। आप में से अनेक लोगों ने उसे पढ़ा है, देखा है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि देश के किसी राज्य में उससे बेहतर इंसेंटिव आज की तारीख में नहीं है। उद्घाटन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत के कोने कोने में संभावनाओं के लिए वाइब्रेंट गुजरात समिट एक गेटवे है। यह सच है। मैं समझता हूँ वाइब्रेंट गुजरात समिट एक ऐसा अतुलनीय, इनकॉम्परेबल माध्यम है, एक सशक्त प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो भविष्य में देश के कोने कोने में निवेश की नई संभावनाओं के उदय और इंडस्ट्री के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करेगा। जो लोग वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस से परिचित हैं, बार्सिलोना में होता है, दुनिया भर के टेलीकॉम प्लेयर्स इंतजार करते हैं कि वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस कब है। उसके बाद चाइना मोबाइल कांग्रेस शुरू हुआ, इंडिया मोबाइल कांग्रेस शुरू हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही। लेकिन दुनिया भर के इंडस्ट्री कैप्टन्स इंतजार करते हैं कि वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस कैसी है, कब हो रही है। मुझे लगता है कि उसी तरह हिंदुस्तान और दुनिया भर के इंडस्ट्री लीडर इंतजार करते